रहे की थी
कंठ में बजाती शीश मुकुट के कंठ में बजाती चरण कमली में कमली में हे दया मुझको भी लीजिए शरण पड़े दीनबंधु दीनानाथ तेरी शरण में आया हुआ मेरी लाज आपके हाथ में अपने विरुद्ध को देख जरा रहम तो कीजिए तरस कीजिए थोड़ा
प्रथम स्मरो श्री गणेश। श्री गणेश क्यों स्मरते हैं कि उसमें गुण बहुत ज्यादा है और उसकी नाक कितनी बड़ी है, कहीं दाग नहीं है। आदमी की तो बहुत छोटी सी नाक है, उसके वास्ते कितना भयभीत होता है, डरता है कहीं नाक ना कट जाए। नाक की तो बात होती है, लेकिन जिसमें ज्यादा गुण होते हैं, जिसका मस्तक भी बड़ा होता है, जिसमें गुण ज्यादा होंगे उसका मस्तक भी ज्यादा बड़ा होगा। हमारे जैसे छोटा छोटी बातों पे बिछड़ने वाला नहीं होगा। हम तो कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूज नहीं मस्त चलता है। कितने कुत्ते भोंकते हैं, कभी कोई हाथी कुत्ता को मारा हुआ देखा, क्योंकि मस्त चाल है तेरी, मस्त चाल है। कैसी है, किसी का भय नहीं अभय है, इसलिए तो गुण है ज्यादा। और कान कितने बड़े हैं, छोटे छोटे बात तो पास ही नहीं आती उसकी। हमारे पास जरा सी बात कान में आ जाती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, तो आग बुबुला हो जाते हैं। वो कभी क्रोध नहीं करता, करता है तो विध्वंस भी बड़ाई करता है। प्रथम सुमरों श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। गणेश जी का बहुत प्रिय पुत्र है, अरे गौरी का तो क्या कहना कि माँ है, ममता है, यश देने वाली यशोदा है। माँ से बड़ा कोई भी नहीं, पिता तो दो नंबर का होता है। इसलिए तो कहे तुमेव तुमेव माता च पिता, पिता तो दो नंबर है। सकल विघ्न भय कलेश हे प्रभु दूर कीजिए। इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। प्रथम कोई भी शादी या कोई भी त्यौहार आता है, प्रथम में शुभ कर्म होते हैं, उसमें गणेश जी की पूजा होती है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि दो नार चंवर करती हैं बार बार, लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों चंवर ढोलती हैं। रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि दो नार चंवर करती बार बार, सकल विघ्न हे द्वार दूर कीजिए। शीश मुकुट तिलक भाल कंठ में भेजती माल, भगवान का श्रृंगार है, ये गणेश जी के श्रृंगार है। शीश मुकुट तिलक भाल कंठ में भेजती माल, चरण कमल में हे दयाल सबको ही लीजिए। ऐसे नहीं कि मेरे को ही लीजिए, सभी को लीजिए। भक्तों के हो तुम सदा साथ, आज पकड़ मेरे भी हाथ, यही तो परमात्मा की परिभाषा है। जो सबका ही है, एक का नहीं, सबका मालक निर्माता सृष्टा एक ही है, तो वो यही कहता है।